सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की 6 बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें साउथ सुपरस्टार थालापति विजय की फिल्म वारिशु, देवगन की फिल्म भोला, अक्षय कुमार की फिल्म शेल्फी, शाहरुख खान की फिल्म पठान, ओडिया फिल्म दमन और पैन इंडिया फिल्म माइकल शामिल है। और आपको बताएंगे इन 6 फिल्मों का आज का और अभी तक का टोटल कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी आज बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन बना लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपरस्टार। इसी के साथ अजय देवगन की फिल्म भोला और अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़कर पठान फिल्म के कलेक्शन को पीछे छोड़ पाई या नहीं। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकॉन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन साउथ नेपाल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थालापति विजय की फिल्म वारिशु के बारे में। आपको बता दें वारिशु फिल्म को लेकर थालापति विजय के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं फिल्म का बजट लगभग 280 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, लेकिन फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त क्रेज देखा गया और थालापति विजय के जबरदस्त फैन फॉलोइंग होने की वजह से विजय की फिल्म वारिशु ने अपने पहले दिन तमिल बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ 15 लाख रुपए से भी ज्यादा की ग्रोस कमाई की और फिल्म ने अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ 47 लाख रुपए से भी ज्यादा की ग्रोस कमाई की। वहीं थालापति विजय की फिल्म वारिशु का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 47 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा रहा, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने बजट से लगभग 2 गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो वारिशु फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए लगभग 24 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक थालापति विजय की फिल्म वारिशु का अभी तक का 24 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 206 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास रहा। वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करने में कामयाब रही और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 294 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ग्रोस कमाई की, जिस वजह से थालापति विजय की फिल्म वारिशु अपने बजट को तो रिकवर करने में कामयाब रही। लेकिन अगर फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होना है तो इस फिल्म को लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की दूसरी और बड़ी फिल्म माइकल के बारे में। आपको बता दें माइकल फिल्म में आपको साउथ के सुपरस्टार लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं यह एक पैन इंडिया फिल्म है। इसी के साथ फिल्म का बजट है लगभग 30 से 50 करोड़ रुपए, क्योंकि फिल्म के बजट की अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो पैन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने की वजह से फिल्म को सभी लैंग्वेज में काफी अच्छे शो मिले और विजय सेतुपति के फिल्म में होने की वजह से विजय सेतुपति के फैंस इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, जिस वजह से माना जा रहा है साउथ फिल्म माइकल अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ओपनिंग कर सकती थी। लेकिन आपको बता दें फिल्म की ऑक्यूपेंसी उम्मीद के मुताबिक काफी कम रही और फिल्म अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास ओपनिंग कर रही, जो कि पैन इंडिया फिल्म के लिए काफी कम ओपनिंग है। लेकिन फिर भी हो सकता है अगर फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिला और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट साबित हो सकती है, जिसका उदाहरण है आपके सामने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा, जो अपने पहले दिन तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई लेकिन फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित रही। वहीं अब बात कर लेते हैं इस साल की तीसरी बड़ी फिल्म दमन के बारे में। आपको बता दें दमन फिल्म ओडिया इंडस्ट्री की काफी बड़ी फिल्म थी और सिर्फ 2 करोड़ रुपए के बजट में बनाए जाने के बावजूद दमन फिल्म ओडिया इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिस वजह से इस फिल्म को आज हिंदी में रिलीज किया गया और फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शो मिले। लेकिन इसके बावजूद दमन फिल्म को लेकर कुछ खास क्रेज देखने को नहीं मिला। जी आपको बता दें दमन फिल्म अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 20 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जो कि इस फिल्म के लिए काफी कम ओपनिंग है। लेकिन माना जा रहा है फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होने की वजह से इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन दिन पर दिन बढ़ सकता है और हो सकता है फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहे। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की चौथी और बड़ी फिल्म सेल्फी के बारे में। आपको बता दें सेल्फी फिल्म में आपको अक्षय कुमार के साथ इमरान हाशमी लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए। वहीं सेल्फी फिल्म साउथ की फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक है, जिस वजह से इस फिल्म को लेकर हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड भी है और नहीं भी, क्योंकि फिल्म को लेकर कुछ खास बज देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन फिल्म के रिलीज के वक्त ही पता चल पाएगा फिल्म को लेकर कितना ज्यादा बज है। लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के प्रेडिक्शन की बात करें तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी अपने पहले दिन 24 फरवरी के दिन रिलीज होकर कम से कम 15 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है। लेकिन अगर फिल्म का नेगेटिव रिव्यू मिला तो फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन और भी कम रह सकता है, जिस वजह से फिल्म का कलेक्शन पॉजिटिव रिव्यू और नेगेटिव रिव्यू पर डिपेंड रहेगा। और
और हो सकता है फिल्म हिट भी हो जाए या हो भी जाए फ्लॉप। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की पांचवी और बड़ी फिल्म भोला के बारे में। आपको बता दें भोला फिल्म में आपको अजय देवगन के साथ कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। वही फिल्म का बजट है 50 करोड़ रूपए। लेकिन इस फिल्म का टीजर 2 रिलीज किया गया जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। जी आपको बता दें बॉलीवुड फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म में आपको काफी जबरदस्त एक्शन सीन दिखाई दे रहे और टीजर से ही साफ पता चल रहा है अजय देवगन डायरेक्शन में काफी जबरदस्त है। जिस वजह से हो सकता है अजय देवगन भोला फिल्म को काफी एक्शन और बड़े लेवल पर डायरेक्ट करे, जिस वजह से फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ओपनिंग कर सकती है। क्योंकि अजय देवगन की पिछली फिल्म दृश्यम 2 भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिस वजह से उम्मीद है भोला फिल्म भी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होकर 15 से 20 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है। लेकिन देखना काफी दिलचस्प रहेगा भोला फिल्म अपने पहले दिन शाहरुख खान की फिल्म पठान के पहले दिन के हिंदी कलेक्शन को पीछे छोड़ पाती है या नहीं, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होती है या हो जाती है फ्लॉप। वहीं बात कर लेते हैं इस एपिसोड की छठी और इंडिया की या यूं कहे बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक पठान के बारे में। आपको बता दें पठान फिल्म को लेकर शाहरुख खान के फैंस के साथ साथ सलमान खान के फैंस, जॉन अब्राहम के फैंस और दीपिका पादुकोण के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और सभी का मानना था पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक इतिहास बनाएगी, और ऐसा ही हो रहा। जी आपको बता दें पठान फिल्म को सिर्फ 250 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और पॉजिटिव रिव्यू मिलने की वजह से पठान फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 55 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। वहीं फिल्म का पहले दिन का सभी लैंग्वेज का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 57 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। लेकिन अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा आसानी से पार करते हुए 106 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ बात कर लेते हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। आपको बता दें पठान फिल्म ने अपने पहले हफ्ते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा आसानी से पार कर दिया था। वो फिल्म अपने पहले हफ्ते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 318 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन करने में कामयाब रही। वहीं फिल्म ने अपने पहले हफ्ते सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी 330 करोड़ 25 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार किया, जिस वजह से फिल्म का पहले हफ्ते का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 634 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। वो फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली भी बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी। इसी के साथ इस फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान अपने 10वें दिन यानी आज बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 16 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास रहेगा, जिस वजह से हो सकता है फिल्म अपने 10वें दिन यानी आज हिंदी तमिल तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करे। वहीं फिल्म का आज का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 38 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है, जिस वजह से पठान फिल्म अपने 10 दिनों में टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 367 करोड़ 15 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार कर देगी। यह फिल्म सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और भी काफी बड़ा धमाका करेगी और लगभग 381 करोड़ 70 लाख रुपए कमा लेगी, जिस वजह से फिल्म कल तक 400 करोड़ क्लब में भी शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म पठान ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो फिल्म अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 740 करोड़ 75 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही और फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई। तो दोस्तों आज के और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तो शाहरुख खान की फिल्म पठान मारेगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, जिस वजह से पठान बनेगी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर और शाहरुख खान बनेंगे इंडिया के बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन आप इन 6 फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म और कौन से सुपरस्टार को कहोगे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार? आपकी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।